ग्वालियर जनशक्ति वेलफेयर सोसाइटी द्वारा आयोजित ग्वालियर गौरव सम्मान समारोह में एमकेएन नेशनल न्यूज चैनल के संवाददाता योगेश बिसारिया को सम्मानित किया गया। समाज सेवियों और पुलिस कर्मियों का भी सम्मान हुआ। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि संत कृपाल सिंह महाराज ने शिरकत की। पूर्व CSP अशोक भदौरिया, CMHO डॉक्टर RK राजौरिया, करणी सेना के जिला अध्यक्ष भी शामिल हुए। समारोह की अध्यक्षता संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरुणेश सिंह भदौरिया ने की। ग्वालियर से योगेश बिसारिया की रिपोर्ट। जैसा कि आपको पता है कि जनशक्ति वेलफेयर सोसाइटी निरंतर सामाजिक कार्यों में करने वाले जो भी किसी कोई भी संस्था भी हो सकती, व्यक्ति विशेष भी हो सकता है, जो लोग भी अच्छा कार्य करते हैं उनको इस तरह के न केवल पहला सम्मान है, हमेशा सम्मानित करते रहते हैं। और ये ग्वालियर गौरव सम्मान ये दिमाग में एक उपज आप लोगों के बीच से आई कि कहीं क्यों ना जो ग्वालियर में लोग अच्छा कार्य कर रहे हैं उनको ग्वालियर गौरव सम्मान से सम्मानित किया जाए, इसलिए उसी कड़ी में आज हम ये स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम कर रहे हैं। कितनी बार स्थापना दिवस है, कितने वर्ष? इस सोसाइटी को तो 3 वर्ष कंप्लीट हो चुके हैं, जुलाई में 14 जुलाई को कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन हमारा जो सामाजिक कार्य पिछले 12 वर्षों से लगातार चल रहा है, जो कि हम कई संगठनों से जुड़े, रोटरी क्लब ग्वालियर सिटी से भी हम ज्वाइंट सेक्रेटरी रहे, इसके अलावा हमने प्रताप सेना के माध्यम से भी लोगों की मदद करी और बाकी इंडस्ट्रीज में भी हम सीनियर पोस्ट पे हैं उसके माध्यम से भी हम लोग मदद करते रहते हैं। 3 जनवरी 2024 को पत्रकारों का भी सम्मान किया था, उसका पत्रकारों का सम्मान करने के पीछे केवल मेरा एक मकसद था कि पत्रकार भाई जो है कहीं ना कहीं देखो पत्रकारिता चौथा स्तंभ है, ये सभी दुनिया जानती है, और पत्रकार के माध्यम से ही हम हमारे द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं, समाज में कार्य किए जा रहे हैं, देश में जो कार्य किए जा रहे हैं, पत्रकार ही है जिससे कई लाखों करोड़ों लोगों को समझने में आता है कि दुनिया में चल क्या रहा है।